तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, नागपुर से मैं अब्दुल शेख। अभी हम खड़े हैं नागपुर के रानी दुर्गावती चौक पे और वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से माननीय श्री प्रकाश अम्बेडकर जी की आज जन्मदिन है और यहाँ पर इनका पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है रानी दुर्गावती चौक पे। देखिए, यहाँ पर श्री प्रकाश अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है तो रानी दुर्गावती चौक पर नागपुर के, आइए हम जानते हैं यहाँ पर सभी मतलब कार्यकर्ता मौजूद है और जानते हैं हम बाकी कार्यकर्ता से। और ये आपका नाम बताइए सर, क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार केशवराव शिंदे। तो सर, ये यहाँ पर जो प्रकाश अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है तो उसके बारे में आप दो शब्द कहेंगे सभी लोगों को यहाँ पर? वंचित बहुजन आघाड़ी के सम्माननीय माननीय बाड़ा साहब प्रकाश अम्बेडकर, इनके आज जन्मदिन के मौके पे स्वाभिमान दिवस करके मनाया जा रहा है और इस खुशी के मौके पे वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं से गुजारिश है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जो स्वाभिमान दिन के अवसर पर बाड़ा साहब प्रकाश अम्बेडकर इन्होंने जो हमें जो पक्ष चलाने का जो काम दिया जाए, हमारे कंधों पे जो दिया जा रहा है वो हम पूरी तरीके से पूरे स्वाभिमान के साथ में उनका दिया हुआ जो काम है, वचन है, वो पूरा निभाएंगे। धन्यवाद। सर आप बताइए कि अभी सामने यहाँ पर आपका नाम बताइए सबसे पहले। एडवोकेट प्रवीण सोनटक्के। एडवोकेट प्रवीण सोनटक्के। तो सोनटक्के जी, बताइए आपके यहाँ पर जो तुम्हारा बाड़ा साहब का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है जी, तो यहाँ पर अभी प्रोग्राम में मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अभी मतलब केक वगैरह उनका काटा जा रहा है? हाँ जी, केक का प्रोग्राम हो गया है। केक का प्रोग्राम, देखो छोटा और बड़े का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि उनका जन्मदिन कितने अच्छे से हम लोग मना पाए। तो हम लोगों ने सुबह पुलाव वितरित किए 300-400 लोगों को, इस वजह से केक का साइज़ छोटा या बड़ा रखने से हम बड़ा भी ला सकते हैं, बाकी सबका मुंह मीठा हो, सबको उनकी उनकी जो प्रेरणा है सभी लोगों तक जाए, ये हमारी मंशा है। सादगी से और प्रतीक वंजारी के नेतृत्व में हमने ये सब काम किए हैं। जो पुलाव वाटअप जो था सुबह हमने जो किए वो 300-400 जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बांटे हैं। तो सर आपने ये वाटअप किया जो पुलाव को, तो कैसा घर घर जाके दिए या रास्ते में चौक पे कैसा दिया? नहीं, चौक में जितने भी जो काम मजदूर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को लाइन से बुलाकर पार्सल के रूप में दिए। क्या बहुजन वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है, तो आप बताइए कि आपका नाम बताइए पूरा और आप क्या कौन से पद पर हैं? जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत ग्रेट साहब। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का युवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष खालिद अंसारी हूँ। हाँ, इस प्रोग्राम रखा गया, बाड़ा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया गया है। जन्मदिन तो ऐसा था कि सिर्फ हमने एक दूसरे को खुश करने के लिए मनाया गया, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी ये थी कि कुछ गरीबों का पेट भरे जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर के वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर आप अलग कम्युनिटी के हैं और आप मतलब और लोगों को क्या मैसेज जाएंगे? जैसा यहाँ जात और पात की बात नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप एक मोमेडियन होने के बाद में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जुड़े हैं, तो आप इसके अंदर लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए और वंचित आघाड़ी मजबूत हो इसके लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? मैं तो सर आपको यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, हमारे पुरखों ने कांग्रेस और बीजेपी की वोट दे के इन लोग हम लाते चले गए और आज ये पोजीशन है। कांग्रेस जो हमारे को जो लेके चल रही है बीजेपी, ये कांग्रेस की यानी बदकिस्मती है जो मतलब यानी आज हम इसका भुगतान भुगत रहे हैं। तो ये दोनों हमारे कोई काम की नहीं रही। हम चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी युवा आघाड़ी जो है इसको एक चांस दिया जाए। हर आपका मतलब है मुस्लिम लोगों को भी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जो वंचित लोगों से मेरी राय है कि वो भी इस तरफ पे थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी एक ऐसी पार्टी है कि जो सर्वधर्म सबको साथ लेके चलती है। यहाँ पर कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई और कोई बुद्ध, कोई क्रिश्चियन नहीं है। यहाँ पर सर्वधर्म एक है। यहाँ पर आते हम सभी को अपने गले लगाते हैं और उसका एक
सहयोग करते हैं और उसको साथ में लेके चलते हैं। जैसे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी मतलब राजनीतिक रोटियां सेक रही है इस पैंडेमिक के टाइम पर भी, कि जैसा हम अभी पैंडेमिक में लोगों के सामने आ रहे हैं, लोगों को मतलब मदद का दिखावा दे रहे हैं, तो ऐसी राजनीति करने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसी राजनीति करने वालों को तो मैं ये मैसेज दूंगा कि ये सब दलाली छोड़िए आप। आज जो जनता जो परेशान है, आज घर घर में जो है अनाज की व्यवस्था नहीं है, खाने का प्रोग्राम नहीं है, मतलब अनाज नहीं है, सब्जी भाजी नहीं है। मैं तो लोगों से, दलालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस गरीबों की मदद करिए, पहले बस्ती बस्ती जाके देखिए कि उन लोगों की क्या हाल है। हम घर में बैठे बैठे ये सब काम नहीं कर सकते। सरकार तो बोल रही है कि हम मदद कर रहे हैं, कोई मदद नहीं आ रही है सर। आज चलिए, आज हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे घर है जो समझ के चलो कि एक पेन खजूर पे रोजा खोलते हैं। हमारे यहाँ कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इसका। बाकी समाचार में भी हमने खुद ने भी देखा कि सरकार यहाँ की महाराष्ट्र सरकार बोल रही कि हमने 1500-1500 रुपये मतलब अकाउंट में डाल रहे हैं और दो दो महीने का राशन भी दे रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या करेंगे? बिल्कुल झूठ है सर इस बात को। मेरे को एक तो भी पता जिन्होंने लिया होगा 1500 रुपये उनके खाते में आए होंगे, राशन दो महीने का आया होगा। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट ये बोलती है तुम अपना राशन कार्ड लाओ और राशन कार्ड दिखाओ, तो उसके ऊपर गैस लिखा हुआ रहता है, तो वो सीधा सीधा आपको दखल अंदाज कर देती है कि इनको राशन नहीं देने का। तो जिसके कार्ड पर गैस का मतलब स्टैंप लगा है उसको राशन नहीं दिया जा रहा है? राशन नहीं दे रहे सर, ये सीधा सीधा कार्ड दे रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है जो पिछली बार NRC और NCPR का जो मुद्दा उठा है, इनको पूरी रिपोर्ट ना मिली हो, वो इस तरीके से काम करा जा रहा है कि आपका राशन कार्ड लाइए, उसके ऊपर आपको खुद ही दिखेगा कि आप यानी गरीब तबके के है कि नहीं है। तो उनका कहने का मतलब ऐसे है कि आपके और जब गैस है तो आप कैसे गरीब तबका है, तो ऐसा नहीं है साहब। महलों में रहने वालों की यहाँ भी हालत ख़राब होती है लेकिन उसको देखने कोई नहीं आता। तो मेरा तो ये मानना है गवर्नमेंट से कि आप कम से कम सर्वे करें और उनको दे और उनको बताए वैसा। जैसा कि वर्षा धारगवी, हाँ बताइए आप अभी ये कार्यक्रम के बारे में और जो समझना यहाँ पर जो पैंडेमिक का माहौल है और यहाँ पर जो आपके संस्था की तरफ से जो समझना लोगों को मदद भी जारी, कि ये मदद आगे भी जारी रहेगी और आपके राय रखिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये जो आपने अभी सवाल जो पूछे है कि लोगों में जो महामारी जो फैली है और इसके लिए हमारी संस्था हमारा यानी पक्ष क्या मदद करेगा, तो हमारा जो पक्ष है श्रद्धेय बाड़ा साहब जो है उनके जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान हम लोगों ने ऐसे यानी जपकर रखा है कि आने वाले दिनों में ऐसे अगर महामारी चलती रहती है तो हमारा पक्ष सहदिल से यानी सबको मदद करेगा और हमेशा मदद करते रहेगा, चाहे 15 तारीख रहे या और कोई भी तारीख रहे, हम लोग मदद करते ही रहेंगे, यही हमारे यानी सबके तरफ से गुजारिश है। इसका मतलब ये है कि वंचित बहुजन के तरफ से मतलब जो महिलाएं हैं, जो युवा है, जो बड़े बुजुर्ग है, ये सभी आपका साथ देंगे और मतलब कंधे से कंधा मिला के इस महामारी के टाइम पे इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। हाँ, ये देखो कि आज तक के जो भी सारे लोगों को समाज में यानी दुनिया में, जैसे कि अभी अपने शहर में जो भी चल रहा है, अभी गए पिछले साल से आज ये साल तक के 20 से 21 साल भी लग गया है, लोगों के पास में खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं लोग, और चाहे बूढ़े हो, जवान हो, युवा हो, कोई भी हो, वो लोगों को अभी मालूम हो गया है कि भाजपा और कांग्रेस ये कोई भी हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो अभी हमने ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए कि हम लोगों को कोई तो भी यानी उसमें सब बहुजन आ गए, यानी वहाँ पे कोई जाति धर्म पक्ष वगैरह नहीं आया है, तो ये इस यह देखकर सारे लोग हमारे साथ ही आएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। लेकिन मैडम लोगों को क्या कहना ये है कि अभी हम भाजपा से परेशान हो गए और अब हम फिर से कांग्रेस को मतलब जिता के लाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता मतलब लोगों तक क्या मैसेज देंगे और बहुजन समाज पार्टी आगे आए इसमें आप क्या काम करेंगे, आगे क्या रणनीति आपकी? देखो, वंचित बहुजन जो युवा आघाड़ी या वंचित बहुजन आघाड़ी जो हमारा जो पक्ष है, ये आज तक के बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान पर चले नहीं, इसलिए उनको अच्छा कार्यकर्ता क्या होता है, अच्छा नेता किसको चुनना चाहिए, ये उनको अभी तक के मालूम नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ बाबा साहब यानी बौद्धों के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति समझे हैं, तो संविधान जिन्होंने पढ़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी कास्ट का रहे, कोई भी जाति धर्म का रहे, तो जब तक वो संविधान के हिसाब से चलते नहीं है तब तक उनको मालूम नहीं होगा कि वंचित बहुजन पक्ष क्या करता है और क्या करने वाला है। और ऐसा व्यक्ति अगर वो चुनते नहीं तो कभी भी जीवन में वो अपना खुद का विकास नहीं, देश का विकास नहीं, समाज का विकास नहीं, कुछ भी अपना विकास कर नहीं सकते। क्या मैसेज देंगे सर? हमने तो अपना विश्वास करके उन लोगों को चुन कर दिया था, क्योंकि इतना अनमोल हमको जो मैंने मतदान का अधिकार दिया है, उसके बारे में अगर लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, अगर ये मालूम नहीं है तब तक तो लोगों की परिस्थिति ऐसे ही रहने वाली है।
तो हम चाहते हैं कि लोगों ने अभी तो भी समझना चाहिए, अभी तो भी अपने पाप यानी संभल संभल कर डालना चाहिए और अपना अच्छा नेता चुनकर ये महाराष्ट्र को डेवलपमेंट यानी महाराष्ट्र का विकास अच्छा करना चाहिए। जिन्होंने ये देश की घटना लिखी है, जिन्होंने इस देश के घटना पर सारा ये चलता है, देश चलता है, अगर ये सिस्टम चलाने वाले गद्दार है तो उसके लिए हम लोग यानी वंचित बहुजन आघाड़ी का पक्ष कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम बाबा साहब के यानी अनुयायी है तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जो नातू है, जो बाला साहब यानी हमारे श्रद्धेय है, वो जो हमारे प्रेरणा स्थान है, उन्होंने जो हमारे लिए अभी आज के दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है और उनके दिन के उपलक्ष्य में हमने ये सोचा है कि हमारा पक्ष कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाकर मिले, लोगों की मदद करें और इस महामारी में उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कर मिलकर उनकी सहायता करें।